एवरीवन, आई एम शिवानी वर्मा एंड यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में मैं ब्लॉग करने वाली हूँ, और ब्लॉग भी मैं किस चीज़ पे करने वाली हूँ तो ये देखो, मैंने ये नेल लगवाया दोनों हाथों में, आप लोग देख सकते हो। और इसको लगवाते टाइम मुझे बहुत मतलब थोड़े बहुत प्रॉब्लम हुए, जैसे कि मेरा ये नाखून में कट गया थोड़ा सा, और नेल भी दर्द हुए नेल करवाते टाइम। फर्स्ट टाइम करवाया मैंने, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरा लास्ट टाइम भी हो, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा है और बहुत मुझे तकलीफ़ भी हुई नेल लगवाने के टाइम। तो यही मैं ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आज मैं अपने फुल डे का पूरा रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी, कि दोनों हाथ में नेल लगवा के मैं कैसे काम कर रही हूँ और कैसे कर सकती हूँ, और बहुत ध्यान में रख के भी कर रही हूँ। मैं कल लगवाया था मैंने, ताकि ये थोड़ा सा लगा ना किसी भी चीज़ से तो पूरा नेल उखड़ जाने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से मैं रख के नेल को काम कर रही हूँ कोई भी। और आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, तो आज मैंने लेट उठा, तो यही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो पूरे ब्लॉग में पूरे एंड तक बने रहिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। शुरू करने वाली हूँ टूथब्रश से, तो मैं ब्रश करूँगी, और देखो टूथपेस्ट निकालने में कितना ही दिक्कत हो रहा है। ये नाखून नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा भी लगेगा तो नाखून पूरा का नाखून उखड़ जाएगा पूरा का पूरा। तो बहुत ही ध्यान में रख के मैं कर रही हूँ। पानी भी मुँह से अच्छे से नहीं ले पा रही हूँ, मैं मुँह में पानी भी ऐसे करके अच्छे से नहीं ले पा रही हूँ। ये मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा है। तो ब्रश तो हो गया, अब मैं चलूंगी किचन में थोड़ा कुछ नाश्ता करने, क्योंकि तबीयत खराब है तो पहले कुछ नाश्ता कर लूँ, नहीं तो और तबीयत खराब हो जाएगी, देन काम स्टार्ट करूँगी। तो खाने के लिए कुछ फ्रूट्स हैं, और रात एक रोटी और पनीर की भुर्जी है, और चाय मैंने सुबह एक टाइम पी लिया है, बट फिर भी पीने का मन कर रहा है तो क्या करूँ मैं समझ नहीं आ रहा। पहले मैं एक गिलास पानी पी लेती हूँ। सुबह सुबह मुझे भूख नहीं लगता, सुबह सुबह मुझे खाने का मन नहीं करता, अगर मैं जबरदस्ती खाऊं तो मुझे वोमिटिंग जैसा होने लगता है, तो इसलिए मैं लिक्विड वाली जूस चाय दूध वगैरह ये सब पी सकती हूँ, लेकिन खा नहीं सकती मैं कुछ भी नहीं। मैं खाऊंगी तभी 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, या फिर नहा लूंगी तो भूख लगेगा तो खा लूंगी मैं, लेकिन ऐसे मैं नहीं खा सकती। तो मैं पहले किचन की सफाई ही कर लेती हूँ, भूख तो मुझे लगी नहीं है, तो किचन की सफाई करती हूँ और देखती हूँ कि इसके साथ मैं कैसे काम कर पाती हूँ। नाखून के साथ काम करने में मुझे बहुत ही डर लग रहा है, डर इसलिए लग रहा है कि थोड़ा सा भी लगा ना, क्योंकि मेरे रियल जो नाखून है और मेरे बड़े होते थे तो काम करते करते ऐसा लग जाता था नाखूनों में कि नाखून उखड़ जाते थे बीच से ही, तो मुझे वही डर लग रहा है कि मैं काम कोई करूं या और कहीं भूल जाऊं कि माइंड डाइवर्ट हो गया कि नेल नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, पूरे के पूरे नेल उखड़ जाने वाले हैं। तो मैं इस चीज को मुझे बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है और उसके बाद काम करते रहना है। मैं
मेरा आज तबीयत खराब होने के कारण मैं आज ज्यादा अच्छे से सफाई भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आज संडे है तो मैंने कल सोचा था कि अच्छे से सफाई कर लूंगी कल, बट मेरा तबीयत ही खराब हो गया। पेट में दर्द, सिर में दर्द है, तो थोड़ा बहुत जैसे नॉर्मली रेगुलर करती हूँ वैसे ही मैं सफाई कर रही हूँ। मैं वॉश करूंगी बर्तन, ये जो पूरे खाने हैं इनको मैं एक बर्तन में निकाल दूंगी। और ये देखो मेरे भैया का कारनामा, मतलब इस चीज में उनको ग्लास नहीं मिला, क्या नहीं मिला, इस चीज में उन्होंने अपना प्रोटीन शेक मिला के पिया है। सल्यूट है भाई, मतलब जो ना सोचो वो भाई लोग कर देते हैं। भाई लोग का दिमाग विपरीत होता है बहन लोग से, उल्टा। मुझे बर्तन धोने में बहुत दिक्कत हो रहा है इस चीज से, क्योंकि मेरे बहुत जगह कटे भी है, थोड़े थोड़े जख्मी भी हो गए हैं उंगलियां, तो मुझे दिक्कत हो रहा है बर्तन धोने में, क्योंकि एक तो नेल की वजह से बर्तन भी नहीं धो पा रहा अच्छे से, और एक साबुन लग रहा है तो वहां पे जलन सी हो रही है। फिर भी करना होगा, आप लोग देख सकते हो मैं कैसे ही कर रही हूँ। पहले का सोच सोच के कर रही हूँ कि जब नाखून नहीं होते थे तो कैसे कर लेती थी मैं जल्दी जल्दी, और ये कब नाखूनों से छुटकारा मिलेगा, कभी निकल जाएंगे खुद से। गाइस आप लोग भी नाखून लगवाते हो और उसकी टाइम काम करते हो, तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों से रिलेटेड है कि नहीं है, या जो भी हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नाखून लगा के बर्तन भी अच्छे से अगर आप चाहो कि रगड़ ले तो भी नहीं रगड़ सकते, क्योंकि नाखून आ जाते हैं बीच में। ये देख सकते हो आप लोग मेरे से प्लेट नहीं धुलाया जा रहा, ऐसे करके मैं कैसे ही धो रही हूँ। मैं बर्तन को ज्यादा जोर से रगड़ नहीं सकती, नहीं तो मेरे नाखून पे बुरा असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं साफ धो रही हूँ। ऐसे ही होता है गाइज, अगर ऐसे लगा ना और मेरे नेल पे लगता तो नेल उखड़ जाता, इसलिए बोलती हूँ अगर आप नेल लगवाना तो सोच समझ के लगवाना। मैं आपको दूंगी राय कि आप नेल ना ही लगाना, अपना जो भी रियल नेल होता है वो थोड़ा सा मीडियम साइज में करके उसको सेव करके कलरिंग करके रखो, जितना भी हो, ज्यादा लॉन्ग नेल्स भी अच्छे नहीं लगते हैं। एक तो आप पैसे लगाओगे, ये तो मैंने फ्री में कराया है,
और मेरी बैच की लड़की ने वो एकेडमी की लड़की ने ट्राई किया है, प्रैक्टिस तो लग गया है। और आप तो पैसे भी लगाते हो और इतना दिक्कत भी सहते हो, कैसे कर लेते हो यार? ये आप झाड़ू लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, झाड़ू एकदम आराम से लग गया। फिर जो कचरा था वो उठाते टाइम आप लोग देख सकती हो, ऐसे उस स्टाइल में कभी मैंने कचरा नहीं उठाया है। ये देखो नाखूनों की हालत, गंदगी हो गई है बहुत सारा, बहुत ज्यादा पेट दर्द कर रहा है और गर्मी भी लग रही है और कोई है भी नहीं हेल्प करने के लिए, तो खुद से ही करना है। और बहुत हेजिटेशन भी हो रहा है। One hour later. जा रही हूँ चाय बनाने और फिर से पीने, तो गैस जलाने जा रही थी तो मैं आप लोगों के साथ सोचा शेयर कर दूँ कि माचिस से मुझे जलाना है, लाइटर नहीं है तो इसको मुझे ऐसे तो खोल नहीं सकती क्योंकि नहीं है, तो ऐसे मुझे खोलना पड़ेगा। मतलब एक सेकेंड का काम 5 मिनट में करो, इसलिए नहीं लगवाते हो आप। 2 hours later. गाइज आप लोगों ने देखा कि जब मैं बर्तन धो रही थी तो क्या एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ, प्लेट घूम गया और शायद वो नाखून पे लग जाता तो मेरे नेल सुखड़ जाते। तो गाइज मैं ये सोच रही हूँ कि क्या ही मैं आप लोगों को पूरा दिखाने का वेट कर रही हूँ और फिर एकेडमी जाने का वेट कर रही हूँ, फिर वहाँ निकलवाने का वेट कर रही हूँ, शायद कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे नाखून पे चोट लग जाए और जो जिस चीज़ का मुझे डर है वही हो जाए। तो मैंने सोचा कि मैं इस नेल को कट कर लेती हूँ, मैं वेट नहीं कर सकती तो मैं इसे कट करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डर। तो मैंने इसे निकालने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की बट ये निकला नहीं। जो लड़की लगा रही थी नेल्स तो उसने बोला कि खुद से निकालने की कोशिश मत करना वरना नेल्स निकल सकते हैं, रियल नेल्स भी निकल सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कट कर लेती हूँ, छोटा छोटा रहेगा तो कभी भी निकले कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत सॉलिड है और मुझे लग रहा है कि ये कटेगा भी नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगी क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड ज़्यादा चलता है तो इस हाथ से ये ज़्यादा कट भी नहीं रहा है, मतलब जोर नहीं लग पा रहा है। तो मैं बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी और बहुत अच्छे से फंस चुकी। फाइनली गाइस फाइनली ये निकल गया, फाइनली। अब ऐसे ही मुझे इन चारों को निकालना है, काटना बहुत ही ज्यादा टफ है, बहुत ही ज्यादा। गाइस फाइनली ये वाली फिंगर की नेल पूरे जड़ से निकल गई है, आप लोग देख सकते हो, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। सो फाइनली गाइस मैंने इस नेल से छुटकारा पा लिया और मैंने 2 को पूरा निकाल दिया है और ये 3 ऐसे ही हैं टेढ़े मेढ़े से। कोई नहीं, मुझे अब जाकर रिलैक्स फील हुआ कि हाँ अब ठीक है, इसे मैं काम कर सकती हूँ फ्रीली, अब मेरा हाथ फ्रीली लग रहा है। तो इस हाथ में मैंने इसे रखा हुआ है और इस हाथ को मैंने निकाल दिया है क्योंकि थोड़ा बहुत जो शौक है पूरा हो जाए, बट इसे भी थोड़ा बचा के रखना पड़ेगा मुझे जिस बात का मुझे डर है। बट इस हाथ का मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, इस हाथ से ज़्यादा काम करती हूँ तो इसलिए मैंने इसे काट दिया। इन्हें देखकर बहुत ही मुझे सुकून फील हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतने जो लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं इसे लगाने में उन्हें मैंने डाल दिया कचड़े में क्योंकि इनकी जगह यही है। तो गाइस इस हाथ से थोड़ा मैं स्टाइल मार सकती हूँ, थोड़ा पिक विक ले सकती हूँ क्योंकि सोचा था कि नेल्स लगवाए तो थोड़ा वीडियो शूट कर लूँ और पिक्स बना लूँ, बट दोनों हाथ से नहीं हो पाता। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने ओरिजिनल नेल की ग्रोथ अच्छी करो, भले ही छोटा उसे सेव करके कलरिंग करके अच्छे से रखो, आर्टिफिशियल नेल मत लगवाओ। और लगवाते भी हो तो
उसका बहुत ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी लगेगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी अगर नेल में चोट लगा तो। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप नेल्स मत लगवाना, फेक नेल्स, तो यही मैं आपको सजेस्ट करूँगी। बाकी इसको मैं कुछ दिन रखूँगी, पिक्स लूँगी, फ़ोटोशूट करूँगी, तो उसमें अपना नेल दिखाऊँगी, थोड़ा स्टाइल स्टाइल मार लूँगी, तो फिर मैं ये नेल्स निकाल दूँगी, एकेडमी से निकलवा दूँगी या खुद से ही निकाल दूँगी जैसे निकाला है। बाकी जो छोटे छोटे हैं तो वो अगर मैं काम करती रहूँगी पानी में तो वो खुद से भी निकल जाएंगे, लेकिन काफ़ी टाइम बाद निकलेंगे। तो अब मैं अच्छे से नहा सकती हूँ फ्रीली, और जो भी काम है खाना वाना बनाना वो मैं सब कर सकती हूँ, झाड़ू पोछा। तो गाइस आज का ब्लॉग था मेरा यही। तो आपको मेरी ब्लॉग कैसी लगी, ब्लॉग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको क्या है, आप भी नेल लगवाते हो या नेल लगवाने का सोच रहे हो, तो आपका क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नाउ इट्स टाइम टू बाय बाय, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल टेक केयर।